ये जो दिल दहला देने वाली फोटो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे सन 1943 में खींचा गया था और ये था ओहायो में चलने वाले एक भाप के इंजन का हाल। देखने में ही ये कितना दिल दहला देने वाला लग रहा है। तो आखिर इस इंजन के साथ हुआ क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रेन की हालत ऐसी है तो इसके अंदर मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ था, उनका हाल क्या हुआ होगा? तो इस बेहद रहस्यमय फोटो को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि आखिर एक भाप से चलने वाला इंजन काम कैसे करता है। तो एक इस तरह के इंजन के अंदर बॉयलर के नीचे आग लगाकर इसके अंदर मौजूद पानी से भाप बनाई जाती है और उस भाप का प्रेशर क्या होता है इसका अंदाजा आप और मैं तो लगा भी नहीं सकते। बस यही समझ लीजिए कि इतना ज्यादा प्रेशर कि वो पूरी ट्रेन को खींच सकता है। इंजन में क्रू मेंबर्स बॉयलर्स के नीचे लगी भट्टी में लगातार कोयला डालते रहते हैं। इसके बेसिक प्रोसेस के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब आपको पता ही होगा, लेकिन इससे निकलने वाली गर्मी बहुत सारे पाइप से होते हुए दूसरी साइड लगे स्मोक बॉक्स तक चली जाती है, जिससे वही काला धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है जिसके लिए हम ऐसी ट्रेन्स को जानते हैं। लेकिन जिन पाइप से ये हीट पास होती है उसके चारों ओर पानी भरा होता है और यही पानी तो उबल उबल कर भाप बनता है और इसी को हम बॉयलर कहते हैं। ये भाप अपने अंदर तगड़ा प्रेशर बनाकर रखती है और अब ये प्रेशर कहीं तो जाएगा ही। तो नियम के हिसाब से इस प्रेशर को स्टीम डॉम से होते हुए पिस्टन्स तक पहुँचना था और इसी से ट्रेन के पहिए घूमते हैं। कुछ ऐसे इंजन्स भी बनाए गए जिनमें इन पाइप्स के बीच में सुपर हीटर्स भी लगाए गए थे जिससे इस बॉयलर से निकलने वाली भाप का तापमान और ज़्यादा बढ़ जाए और इससे निकलने से पहले वो पूरी तरह से सूख जाती थी। इसी को हम सुपर हीटेड ड्राई स्टीम भी कहते थे जिससे ये और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती थी। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा और वो है इस बॉयलर के अंदर पैदा होने वाला प्रेशर। जी हाँ, आप यकीन भी नहीं कर सकते, यकीन तो क्या, आप सोच भी नहीं सकते कि इस बॉयलर के अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट्स लगे होते हैं उनके अंदर यानी कि उनके ऊपर भाप का कितना तगड़ा प्रेशर लगता होगा और अगर इनमें से एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो भयंकर तबाही हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए हर राइड के बाद इस तरह के इंजन्स को रेगुलरली चेक किया जाता था, रेगुलरली सर्विस किया जाता था कि ये आगे चलने के लिए तैयार है या नहीं, इनमें कोई खराबी तो नहीं है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई और इसके किसी भी पुर्जे ने अपना काम नहीं किया तो या फिर वो फेल हुआ तो इससे निकलने वाली एनर्जी बेहद जानलेवा हो सकती थी। वो कितनी जानलेवा हो सकती है इसका अंदाजा आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हैं। जिस इंजन को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम चेसापीक ओहायो का T1 क्लास था जिसका नंबर 3020 था और मई 1943 में ओहायो के चिलिकोटे शहर में रहने वाले लोगों ने एक ऐसी भयानक दहाड़ सुनी जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं सकते और ये दहाड़ कहीं और से नहीं बल्कि शहर के बाहर से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक से आ रही थी। और जब जाकर देखा तो ये ट्रेन वहाँ उस ट्रैक पर ऐसे ही रुकी हुई थी। आप शायद विश्वास ना करें पर इस ट्रेन का इंजन पूरी तरह फेल हो चुका था और इसका मलबा चारों तरफ सैकड़ों फीट तक फैला था। इस इंजन में उस समय 3 क्रू मेंबर्स काम कर रहे थे और वैसे तो उनकी मौत हो चुकी थी लेकिन उनकी मौत कितने भयानक तरीके से हुई इसका अंदाजा अब मैं आपको लगवा दूंगा। चलिए इस फोटो को फिर से हम देखते हैं। इसमें आपको इंजन के चारों ओर पाइप्स निकले हुए दिख रहे होंगे और ये पाइप्स इंजन के बॉयलर में लगे हुए थे लेकिन भाप का प्रेशर कुछ ऐसा था कि ये लोहे के मोटे मोटे पाइप्स अपने चारों तरफ लगी लोहे की कई इंच मोटी चादर को फाड़ते हुए कुछ इस तरह से बाहर निकल चुके थे। अब एक लोहे जैसी धातु का ये हाल हो चुका था तो इंसान जो इसके अंदर मौजूद थे उनका क्या हाल हुआ होगा? जी हाँ, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि इस इंजन में लगा बॉयलर फट चुका था और ये सभी सुपर हीटेड ट्यूब्स बाहर निकल चुकी थी। इस हादसे की एक बहुत लंबी जांच बैठाई गई लेकिन कभी ये पता नहीं चल पाया कि इस इंजन के बॉयलर की फटने की असल वजह क्या थी। मैं आपको बता दूँ कि जिस डायरेक्शन में ये ट्रेन उस समय जा रही थी उस डायरेक्शन में चढ़ाई थी जिससे ऑब्वियसली इसकी स्पीड बहुत धीरे हो चुकी थी। आमतौर पर रोकने के आदेश दिए जाते हैं लेकिन इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स इस ट्रेन को यहाँ रोकना नहीं चाहते थे। एक कारण शायद ये हो सकता है कि इस इंजन के बॉयलर में उस समय पानी कम था और वो इसका पानी खत्म होने से पहले इसे स्टेशन तक पहुँचाना चाह रहे थे या फिर उन्होंने जानबूझकर इसके बॉयलर में पानी कम रखा हुआ था क्योंकि पानी बॉयलर में कम होगा तो वो जल्दी गर्म होगा और उससे ज़्यादा भाप निकलेगी।
और एकदम से बॉयलर में यहाँ पानी डाला जाए तो उसका तापमान एक ही झटके में नीचे आ जाएगा, जिससे इंजन को प्रेशर नहीं मिलेगा। एक बात तो है, पानी यहाँ भाप वाले इंजन में कई रोल अदा करता है। वो ना सिर्फ इसको चलाने के लिए भाप देता है, बल्कि उसी भाप से पैदा हुए टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए भी, यानी कि बॉयलर को ठंडा रखने का भी काम वही करता है। अगर इस पॉइंट पर बॉयलर में पानी कम हुआ तो मजबूरन बॉयलर पर लगी वो सभी लोहे की मोटी मोटी शीट्स गर्म हो जाएगी। जी हाँ, इतनी गर्म कि उस तापमान से वो पिघलना शुरू कर देंगी। यहाँ अब आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि इंजन के इस बॉयलर में भाप का इतना प्रेशर होता है कि वो हजारों टन वजनी ट्रेन को आराम से खींच लेता है। अगर यहाँ इस मैकेनिज्म में कोई भी दिक्कत आई तो वो भाप जो अंदर दबाव में कैद है वो बाहर निकलने का रास्ता अपने आप बना लेगी। उसके बीच में जो भी आएगा सेकंडों में मारा जाएगा। और एक ब्रेकमैन, एक फायरमैन, एक इंजीनियर जो कि इस इंजन में उस समय मौजूद थे, वो इस भाप के रास्ते में आए और उनका काम खत्म हो गया। सीधा उनका शरीर सुपर हीटेड भाप के संपर्क में आया और यकीनन वो खुद भी भाप बन गए होंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि जो ब्रेकमैन इस इंजन में मौजूद था वो इंजीनियर और फायरमैन के सामने हजार बार बोल चुका था कि प्लीज इस बॉयलर में पानी और डाल दो, लेकिन उन्होंने ब्रेकमैन की बात नहीं सुनी और ये हादसा हमें देखने को मिला। आज की ट्रेन्स बहुत आधुनिक हैं। जी हाँ, उनमें ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगे होते हैं जो ट्रेन के इंजन में कहीं भी दिक्कत आने पर या तो उन्हें खुद ही ठीक कर देते हैं या फिर कम से कम वार्निंग तो जरूर दे देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से तब तकनीक इतनी आधुनिक नहीं थी और सब कुछ इसके अंदर बैठे लोगों को ही सोचना पड़ता था। उन्हें ही इसको पूरी तरह से कंट्रोल करना था। उन्हें खास तौर पर टेम्परेचर और प्रेशर के बीच पूरी तरह से बैलेंस बनाकर रखना सिखाया जाता है। लेकिन जब जब इस तरह के बॉयलर फटते हुए हाथ से सामने आए तो हर किसी में पानी की कमी ही कारण बनकर सामने आई। आज उस हादसे को तकरीबन 80 साल का समय हो चुका है, लेकिन आज भी एक बहुत ही डरावनी इमेज हमारे आगे इस इंजन की घूम रही है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ है तो मैं बस आपको यही कहूँगा कि ये एक बहुत ही भयानक 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 हादसा था। ये देखने में कितना डर हमारे दिल और दिमाग में पैदा कर रही है, तो उन तीन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने इसे झेला था। रुके रुके, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अब ट्रेन के हादसे की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक और दिल दहला देने वाला हादसा, दिल दहला देने वाला तो क्या कहूँ, बल्कि एक बहुत ही शर्मसार हादसा मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कहीं और का नहीं बल्कि हमारे भारत का ही है। बात तकरीबन 40 साल पुरानी है और जगह थी बिहार के मानसी गांव के पास बने धमारा घाट की। और जब भी यहां के लोगों से पूछा जाता है कि तब क्या हुआ था तो वो यही कहते हैं कि आज से तकरीबन 40 सालों पहले यहां लोगों की बहुत तगड़ी चीखे चिल्लाहट हमने सुनी थी। बारिश के वो दिन चल रहे थे और हर साल की तरह इस साल भी बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके थे। वैसे तो उस समय बारिश के कारण सब कुछ रुका हुआ था, लेकिन रेलगाड़ियां अपनी पटरियों पर चल रही थी और इन्हीं पटरियों में से एक पटरी पर चल रही थी मानसी से सहरसा जाने वाली 418 डाउन, और इसके अंदर भी एक स्टीम इंजन ही लगा हुआ था। इस ट्रेन में उस समय 9 कोचिस थे और इन 9 कोचिस में तकरीबन 800 लोग सवार थे। जी हाँ, ये ट्रेन ओवरलोड हो चुकी थी। ये ट्रेन जैसे ही धमारा घाट के पास पहुंची तो इस ट्रेन का सामना हुआ बागमती नदी से, और ये नदी उस समय अपने पूरे उफान पर थी। इस नदी में इतना ज्यादा पानी था कि वो ब्रिज जो कि इस नदी के ऊपर बना हुआ था, इस ब्रिज से भी पानी आगे की तरफ बहकर जा रहा था। और जैसे ही ट्रेन इस ब्रिज पर पहुंची तो इसके अंदर बैठे सभी लोगों को एक बहुत तेज झटका लगा और देखते ही देखते इस ट्रेन के 9 में से 7 कोचेज इस नदी के अंदर जा गिरे। सिर्फ 2 कोचेज ही अब ट्रैक पर लटके हुए थे। अब क्योंकि ये एक लोकल ट्रेन थी इसलिए हम ये पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कितने लोग मौजूद थे, लेकिन हाँ, ये ओवरलोडेड ट्रेन थी। जैसे ही इस एक्सीडेंट की न्यूज़ पूरे देश में फैली तो रेस्क्यू ऑपरेशंस को आने में यहाँ टाइम लग गया, लेकिन ये जो टाइम लगा और एक्सीडेंट होने से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशंस के आने तक के बीच का जो टाइम था, यही हमारे भारत को बहुत ज़्यादा शर्मसार करता है। जी हाँ, आसपास जो भी गाँव के लोग मौजूद थे वो इस धमाके की, यानी कि इस एक्सीडेंट की आवाज़ को सुनकर इसके पास पहुंच गए। अब आम तौर पर उन्हें करना क्या था,
उन्हें करना था, जो लोग बचाए जा सकते हैं उन्हें बचाओ, लेकिन वो क्या कर रहे थे, लूटपाट। जी हाँ, इस ट्रेन के अंदर पड़े लोगों के सामान को वो लूट रहे थे, जो मर चुके थे उनके अंदर से सामान को निकाल रहे थे, जो लोग बेचारे बच रहे थे किसी तरीके से, किसी को पकड़ पकड़ कर नदी के बाहर आ रहे थे, उनको फिर से लूटपाट करके वापस उनको धक्का नदी में ही दे रहे थे। मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ सच बोल रहा हूँ। रिपोर्ट्स तो ये तक दावा करती हैं कि कुछ लोगों को जानबूझकर लूटपाट करके उनको नदी के अंदर ही फेंका गया था। और ये सब मैं इतने दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही ये खबर पुलिस को पता लगी तो पुलिस ने आसपास के गाँव में सर्च अभियान चलाया, और जैसे ही लोगों के घरों के अंदर की तलाशी ली गई तो उन्हें वहाँ से बहुत बड़े बड़े सूटकेस, बहुत सारा सामान, ज्वेलरी, नगद कैश, ये सब बरामद हुआ। खैर, अब क्योंकि ये रेल नदी में गिर चुकी थी और रेस्क्यू ऑपरेशंस तो रेलवेज के बस की बात थी नहीं, इसलिए अब उन्होंने यहाँ पर नेवी का सहारा लिया, जिसके बाद नेवी ने अंदर जा जाकर गैस कटिंग की मदद से अंदर कोचेस को काटा और लोगों को बाहर निकाला। एक एस्टिमेट के हिसाब से 500 से 600 लोग इस नदी में उस समय गिरे थे, और जबकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सिर्फ 88 लोगों को ही जिंदा उस नदी में से बाहर निकाला गया था, बाकी सारे के सारे भगवान को प्यारे हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 232 डेड बॉडीज तो उन्हें मिल गई, लेकिन बाकी कहाँ गई? क्या उन्हें बागमती नदी अपने साथ ही ले गई? हो सकता है। इसीलिए सरकार ने तो अब डेथ काउंट सिर्फ 232 ही दिया, लेकिन इसका असली जो डेथ काउंट था वो 500 से भी ज़्यादा का था। हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस ट्रेन को जो पायलट चला रहे थे वो दोनों इस हादसे के बाद इस ट्रेन को वहीं छोड़कर भाग गए। जी हाँ, उनको इतना डर लगने लग गया था कि अगर वो पब्लिक के हाथों चढ़े तो पब्लिक उन्हें जिंदा मार डालेगी, और वो पूरे 2 दिनों तक गायब भी रहे। और 2 दिन बाद वो अपने ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर सब कुछ सच बताया। लेकिन अब समय था जांच का, और यहां पर जांच की जानी थी कि ये सब हादसा कैसे हुआ। लेकिन यहां दिक्कत ये थी कि पूरी की पूरी ट्रेन और पूरा का पूरा ट्रैक ही डैमेज हो चुके थे, तो अब जांच शुरू करे तो करे कहां से, जिस वजह से अब यहां पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और लोग अपनी अपनी थ्योरी लेकर सामने आए। कुछ ने कहा कि हवा बहुत तेज थी, कुछ ने कहा कि नदी का पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से ट्रेन से टकराया कि वो अपनी जगह छोड़ गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी तो वो सामने आई जब पायलट जो या इसका लोकोमोटिव ड्राइवर था वो सामने आया, और उसने कहा कि अचानक सामने से गायों का एक झुंड आ गया और मजबूरन उसे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी, और तभी ये ट्रेन जो है वो फिसल गई। और इसी थ्योरी को सब सच मानते हुए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उन्होंने ये बयान दिया कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन अपनी जगह से फिसल गई और इसका ये हाल हुआ। लेकिन यहाँ उन्होंने तो ये रीज़न दे दिया, पर ये पता नहीं क्यों यार ये रीज़न मुझे नहीं पच रहा, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक होते ही किस लिए हैं, लगाने के लिए ही ऑब्वियसली। तो जब उन्हें लगाया जाता है तो क्यों ये फिसल जाती है? क्योंकि हर बार जब भी देखा गया है ऐसे कोई हादसे होते हैं तो हमेशा रेलवे सामने आकर यही कहता है कि लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया और ये हादसा हमें देखने को मिला। हर बार यही कहता है, हर बार यही फेंकता है। तो क्यों हमेशा ऐसा होता है कि इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पर ट्रेन जो है पूरी की पूरी फिसल जाती है? इमरजेंसी ब्रेक्स हैं, मौजूद हैं उसमें, तो लगाने के लिए ही तो बने हैं, वो उसमें लगाए गए हैं ताकि उन्हें यूज़ किया जा सके। अगर उन्हें यूज़ किया जाता है तो वो फिसल कैसे जाती है? ट्रेन सिक्योरली आराम से उस ट्रैक पर चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि उसके 2 टायर हों और बाइक की तरह वो किसी सड़क पर चल रही है और ब्रेक लगाते फिसल गई, कोई हलवा थोड़ी ना है। इसी रीज़न से परेशान होकर कुछ सालों पहले ही रेलवे बोर्ड द्वारा ये ऑर्डर भी निकाला गया कि अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो उसमें लोको पायलट ये दावा नहीं कर सकता कि इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने की वजह से ये हादसा हुआ। अब 1981 में तो ये ऑर्डर जो था, यानी कि ये कानून जो था, वो पास नहीं हुआ था, तो इसलिए उस टाइम पर ये कारण जो है वो चल गया। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट भारती कूल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।